आज हमारे सामने टाटा टियागो XT ऑप्शनल वेरिएंट, जिसका करने वाले हैं हम एक डिटेल रिव्यू। तो सबसे पहले इसकी हम विंडशील की बात करें तो विंडशील पे हमको मिल जाते हैं 2 वाइपर विद बॉसर। इसी के साथ हमको मिल जाती है इसकी विड्थ जो कि है 1670 mm की। इसकी जो ग्रिल देख रहे हैं, जो ग्रिल मिलती है आपको प्यान ब्लैक फिनिश में, इसी में आपको मिल जाता है मिड पे टाटा का बड़ा सा लोगो। इसके नीचे आप जो देख रहे हैं इसमें आपको मिलती है क्रोम गार्निशिंग, जो कि एक हेडलाइट से होते हुए दूसरी हेडलाइट में जाके मर्ज हो जाती है, जो कि देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक देती है हमको। अब हम इसमें चलते हैं हेडलाइट यूनिट की तरफ। तो हेडलाइट यूनिट इसमें फुल्ली हाइलोजन सेटअप में दिया जाता है। इसमें मिल जाते हैं ये कुछ साइड इंडिकेटर। नीचे के साइड देखते हैं तो इसमें दी जाती है फॉग लैंप हाउसिंग, हालांकि इसमें फॉग लैंप नहीं आती है। जो आप इसमें फॉग लैंप देख रहे हैं ये एक एसेसरी का पार्ट है। इसमें कुछ मिल जाती है आपको ब्लैक पियानो फिनिश। इसी के साथ इसमें बम्पर दिया जाता है स्पोर्टी लुक के साथ। कुछ इस प्रकार से दिखती है हमको फ्रंट प्रोफाइल लुक। अब इसके चलते हैं साइड प्रोफाइल लुक की तरफ। तो राइट साइड प्रोफाइल लुक की बात करें तो कुछ इस प्रकार से दी जाती है हमको लुक। सबसे पहले इसकी डायमेंशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले जो लेंथ मिलती है हमको 3770 mm की मिलती है। इसके साथ ही हमको इसमें व्हील बेस दिया जाता है 2400 mm का, और इसकी हाइट दी जाती है 1525 mm की, और जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है 168 mm का। कुछ इस प्रकार से लगता है हमको साइड प्रोफाइल लुक। इसी के साथ जो आप इसमें टायर देख रहे हैं, जो इसमें दिया जाता है स्टील व्हील के स्टील रिम के साथ, जिसमें कि आपको व्हील कवर ऑफर किया जाता है। हालांकि जो आप इसमें व्हील कवर देख रहे हैं ये एक पार्ट ऑफ एसेसरी है। और इसमें आपकी टायर प्रोफाइल मिल जाती है कुछ 175/65 R14 inches के। आगे की साइड आपको दिया जाता है डिस्क ब्रेक, पीछे की साइड आपको दिया जाता है ड्रम ब्रेक। इसमें आपको 4 RBM प्लस बॉडी हैंडल मिल जाते हैं बॉडी कलर में, और इसमें सभी आपको पिलर्स जो दिए जाते हैं वो आपको दिए जाते हैं बॉडी कलर में। इसी के साथ आपको 4 RBM पे देखने को मिल रहा होगा साइड टर्न इंडिकेटर। कुछ रूप में बात करें तो रूप में हमको मिल जाता है पावर एंटीना। इसी के साथ हमारी कुछ साइड प्रोफाइल लुक दिखती है। अब हम चलते हैं इसके बैक प्रोफाइल लुक की तरफ। तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले हम इसमें मिल जाते हैं ये हमको कुछ प्यान ब्लैक फिनिश में, जो कि कुछ काफ़ी अट्रैक्टिव सा लुक देते हैं। इसकी हम सबसे पहले इसमें हमको दी जाती है ऊपर की साइड में हाई माउंट स्टॉप लैंप, और विंडशील पे मिल जाती है हमको लोकर पोल वोकल की बैजिंग। इसके अलावा हमको वाइपर डिफॉगर का ऑप्शन नहीं मिलता है। मिड पे मिल जाता है हमको टाटा का बड़ा सा लोगो, बीच में मिल जाती है टियागो की बैजिंग, इसी के साथ आपको मिलती है बैक प्रोफाइल लुक। अब इसमें हम चलते हैं टेल लाइट असेंबली की तरफ। तो टेल लाइट आपको इसमें दिया जाता है फुल्ली हाई लोजन के साथ, और इसमें बम्पर में आपको मिल जाते हैं 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर। नीचे के साइड मिल जाती है कुछ नंबर प्लेट की हाउसिंग, और इसमें बम्पर जो आपको दिया जाता है 12 टोन के साथ दिया जाता है। इसमें चलते हैं हम इसके लेफ्ट प्रोफाइल साइड के, तो ये कुछ मिल जाती है लेफ्ट प्रोफाइल साइड आपको, जो कि उसी के राइट किस तरह इससे मिलती है। बस इस साइड आपको मिल जाता है फ्यूल फिलर कैप, जो कि इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको मिल जाती है 35 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। कुछ इस प्रकार से मिल जाती है आपको लुक इसकी। इसी के साथ हमारा 360 व्यू होता है कंप्लीट। अब इसके बाद हम इसके इंटीरियर की बात करें तो इंटीरियर में जाने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे इस गाड़ी की की। तो इस गाड़ी में आपको मिल जाती है एक कुछ फ्लिप की, इसी में आपको दिए जाते हैं कुछ बटन, ये लॉक फॉलो मी हेड लैम्प अनलॉक। तो करते हैं अब इस गाड़ी को अनलॉक, अब इसके चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर में जाने से पहले ये कुछ आपको मिल जाती है डोर की ओपनिंग, जो कि हालांकि 90% के अप्रोक्स ओपनिंग हो जाती है। सबसे पहले हमको मिल जाता है ये 4 RPM कंट्रोलर, जो कि आते हैं पावर एडजस्टेबल। हालांकि ये आपको मैनुअली फोल्डेबल मिलते हैं, लेकिन एडजस्टेबल पावरली मिल जाते हैं। ये कुछ मिल जाती है हमें इसकी डोर हैंडल की लुक, ये मिल जाता है लॉक अनलॉक का बटन, ये मिल जाती है आपको चारों ही पावर विंडो, ये मिल जाता है हमको चाइल्ड विंडो लॉक। इसी के साथ मिल जाती है कुछ इस प्रकार से आपको डोर ट्रिम। हालांकि इसकी डोर ट्रिम है वो 12 टोन के साथ आती है। इसी में आपको मिल जाता है 4 स्पीकर का सेटअप 1, 2 और 3, 4 के साथ।
ये कुछ आपको मिल जाती है। और इसकी सीट की बात करें तो सीट कुछ इस प्रकार से दी जाती है, और सीट दोनों ही मिल जाती हैं एडजस्टेबल हेड रेस्ट के साथ। और ये जो आप सीट देख रहे हैं ये आपको हमको मिलती है 4-way एडजस्टमेंट के साथ। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, तो इंटीरियर में बैठते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इस इंटीरियर का कुछ लुक। ये इस प्रकार से मिल जाता है इस गाड़ी का इंटीरियर, जो कि सबसे पहले इसकी एसी वैंड की बात करें जो दिए जाते हैं आपको ब्लैक पियानो फिनिश के साथ, इसी में मिल जाती है आपको क्रोम गार्निशिंग। ये आपको मिड साइड के एसी वैंड दिए जाते हैं जिसमें हमको मिल जाता है हजार लाइट का ऑन ऑफ स्विच बटन। इसमें जो आप एंड्रॉयड स्टूडियो देख रहे हैं ये एक पार्ट ऑफ एसेसरी है। एक कुछ मिल जाता है हमको इसका, ओहो फर्राटा स्टार्ट, इसको करते हैं बंद। अब कुछ देखते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का लुक। ये कुछ आपको दिया जाता है फुल्ली डिजिटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो बीच में आपको शो कर देता है ढेर सारी इंफॉर्मेशन के साथ। बीच में आपको मिलती है स्पीड मीटर, ये कुछ मिल जाता है आपको आरपीएम मीटर। इस साइड देखें तो इस साइड मिल जाता है हमको फ्यूल गेज मीटर, ऊपर की साइड मिल जाता है इंजन टेम्परेचर गेज। इसमें दो स्टॉक आपको दिए जाते हैं, इस साइड के स्टॉक को आपको मिल जाता है टाइम की सेटिंग वगैरह। इस साइड के स्टॉक से आप देखेंगे तो आपको मिल जाती है ट्रिप बी, ट्रिप ओडो, ट्रिप ए के साथ। ये कुछ दिया जाता है आपको स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो स्टीयरिंग व्हील पे मिल जाते हैं हमको म्यूजिक से रिलेटेड कंट्रोल, ये दिया जाता है आपको हॉर्न, कुछ इस प्रकार से मिल जाता है। स्टीयरिंग पे टाटा का लोगो। अब इसके लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में मिल दिए जाते हैं हमको वाइपर से रिलेटेड कंट्रोल। राइट साइड पे मिल जाते हैं हमको हेडलाइट के कंट्रोल, इसी में मिल जाता है एक आपको हेडलाइट लेबलर बटन। ये कुछ दिए जाते हैं इसके एसी वैंड, जो कि काफ़ी देखने में अट्रैक्टिव देते हैं। ये कुछ आपको मिल जाती है कुछ रखने के लिए जगह, ये आपको दिए जाते हैं ABC पैडल। इसी के साथ आपको इसमें एक डेडिकेटेड डैट पैडल भी मिल जाता है। अब इसके साथ मिड साइड की बात करें तो ये आपको मैन्युअली एसी कंट्रोलर दिए जाते हैं। ये कुछ मिल जाता है USB सोर्स इनके लिए, ये मिल जाता है 12 वोल्ट का सॉकेट, ये दिए जाती है गियर की कुछ फिनिश जो कि हमारी आती है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ। अब इसके गियर के सराउंडिंग भी आपको मिल जाती है ब्लैक पियानो फिनिश। ये कुछ स्पेस इसी के साथ मिल जाते हैं, दो बोट कफ होल्डर, कॉइन होल्डर, बोटल होल्डर, ये कुछ मिल जाती है आपको हैंड ब्रेक की फिनिश जो कि एक क्रोम फिनिश के साथ दिया जाता है। अब इसकी ग्लव बॉक्स में आपको देखते हैं क्या कुछ स्पेस मिल जाता है। ये मिल जाती है आपको सॉफ्ट ओपनिंग, ये कुछ आपको ग्लव बॉक्स का स्पेस दिया जाता है। हालांकि आपको ऊपर की बात करें तो ऊपर में मिल जाता है कुछ माइक, इसमें मिल जाता है आपको टिकट होल्डर, IRBM मिल जाता है डे नाइट एडजस्टेबल के साथ जो कि मैन्युअली दिया जाता है। इसमें देखें तो इसमें आपको मिल जाती है एयरबैग की वेजिंग, और इसमें आपको दो एयरबैग दिए जाते हैं, एक वहाँ एक स्टेयरिंग पे। ये कुछ मिल जाता है आपको टेम्पल, ये एसेसरी का ही पार्ट है। कुछ इस प्रकार से हमारा आगे का इंटीरियर दिखता है। तो अब हम चलते हैं इसके बैक, अब चलते हैं इस गाड़ी के बैक सीटिंग प्रोफाइल की तरफ, तो उसमें क्या कुछ हमको स्पेस मिल जाता है। ये कुछ मिल जाती है इस डोर की ओपनिंग, हालांकि आगे की साइड ही हमको पीछे की साइड भी हमको मिल जाता है डुअल टोन के साथ। ये कुछ दिया जाता है हमको हैंडल, ये दिया जाता है लॉक अनलॉक का बटन, ये मिल जाता है हमें पावर विंडो का स्विच, इसी के साथ मिल जाता है हमको चाइल्ड डोर लॉक। ये कुछ दिया जाता है एक लीटर बोतल होल्डर के साथ। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर, और इसी में बैक साइड की सीट में आपको मिल जाते हैं दोनों ही फिक्स हेडरेस्ट के साथ। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या कुछ हमको स्पेस मिल जाता है। मेरी हाइट है 5'7" के अप्रॉक्स, तो ये कुछ आपको देखने को मिल जाता है लेग रूम। बीच में आपको मिल जाता है काफ़ी बड़ा सा हम्प जो थर्ड पर्सन को बैठने में दिक्कत हो सकती है। मेरी हाइट के अकॉर्डिंग इसमें 3 बंदे आराम से बैठ कर जा सकते हैं। अब चलते हैं इसकी बूट स्पेस की तरफ, क्या कुछ हमको इसमें बूट में स्पेस ऑफर किया जाता है। तो इसका बूट स्पेस होता है कुछ इस प्रकार से ओपन,
ये कुछ मिल जाता है हमको वूड स्पे जो कि दिया जाता है 242 लीटर का। इसमें आपको पार्सल ट्रे देखने को नहीं मिलती है। ये आपको दिए जाते हैं ट्विन हुक जिसमें आपको 3 kg का वेट आप कैरी करके चल सकते हैं। इस ये कुछ मिल जाती है आपको टायर मोबिलिटी किट। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं कुछ टूल्स। अब इसी के साथ आपको इसमें स्टेपनी की बात करें तो स्टेपनी हमको मिल जाती है 155/80R13 1 inch छोटी दी जाती है। ये कुछ मिल जाता है इसका आपको लुक। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ। इंजन में जाने से पहले हम इसका कर लेते हैं बोनट ओपन। ये कुछ दिया जाता है आपको बोनट ओपन बटन। करते हैं इसका बोनट ओपन। वो काफ़ी हैवी सा आपको इसका बोनट देखने को मिल जाता है जो कि ऊपर की साइड दिया जाता है आपको इंसुलेशन के लिए एक ट्रिम कुछ इस प्रकार मिल जाता है इसका इंजन वे जो कि दे देता है 84 BHP की पावर जो आपको मिल जाती है 6000 RPM पर। 113 न्यूटन मोटर का टॉर्क दे देता है जो कि मिल जाता है आपको 3500 RPM का। हालांकि ये नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है 1.2 लीटर का जो कि 1199 cc की इसका इंजन आपको देखने को मिल जाता है। ये राइज जो इसका क्लेम माइलेज है वो 20.09 किलोमीटर पर लीटर है। तो इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।